घोगा गांव में बीती रात चलती कार पर की गई फायरिंग पुलिस जांच में जुटी। बीती रात घोगा गांव में चलती एक स्कॉर्पियो कार पर वैगनर में सवार दो बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चला दी। मामले की जानकारी सुबह दिल्ली पुलिस को दी गई। घटना करीब रात के 2 बजे की बताई जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। वहीं इस मामले को लेकर सुबह इस मामले की जानकारी नरेला थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद नरेला थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि जो स्कॉर्पियो चालक है वह रीति के स्टॉक का काम करता है। वो जब देर रात अपने घर आ रहा था, उसी दौरान वैगनर में सवार दो बदमाशों ने कार पर कई राउंड फायरिंग कर दी। गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए, लेकिन पीड़ित अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद अब मामले की जानकारी मिलने के बाद नरेला थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं पीड़ित से भी हमारी बात हुई, जरा आप भी सुनिए इस मामले को लेकर उन्होंने क्या बताया। क्या नाम है भाई? बोलो भाई, काम क्या हुआ? मैं ऑफिस जा रहा था भाई रात को, स्टॉक का काम है मेरा, और गाड़ी है तो पीछे से वे गोली चलाने लग गई, और जब मेरी गाड़ी आकर लगा दी मेरी गाड़ी की, फिर वे गोली चलाने लग गई, पीछे में चली है और हैंडल वगैरह सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने। फिर मैं गाड़ी बराबर से निकाल के मैं अपने घर जाके गाड़ी को छोड़ के मैं घर चले गया। कौन लोग थे कुछ पता है? हाँ, कुनाल था और उसके चाचा का लड़का था। कहाँ से थे वो गाड़ी? घोगा गांव के थी, वैगनर गाड़ी में। वैगनर गाड़ी में थे वो? आप किस गाड़ी में थे? मैं स्कॉर्पियो में था। क्या समय रहा होगा रात का? रात के 2 बजे थे। कहीं लगी तो नहीं आपको? नहीं, बस बचाव हो गया ऊपर वाले की दया से, मैं अपने निकल गया। फिर मैं गाड़ी छोड़ के मैं सुबह भाई हमें देना लगा, फिर मैंने फोन कर कोई आपसी रंजिश वगैरह तो नहीं? कोई रंजिश वगैरह